बस्ती जिले में हत्या की बड़ी वारदात। एक साथ ही हुई तीन हत्याएं। छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर के पास खड़े ट्रक में मिली ड्राइवर और व्यापारी दोनों की लाश। खलासी की लाश पचपस गांव के पास फेंकी गई। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की आशंका। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह और फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड मौके पर भी मौजूद। पैसे भी जाते हैं। निश्चित रूप से ये हत्या की घटना है और इस रंजित से ये हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे रंजिश रही है। उनमें सभी बिंदुओं पे हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारी टीमें भी रवाना हो गई हैं। जहाँ पे इन्होंने खाना खाया है, जहाँ से ये चले हैं, जिनसे इनके संपर्क हुए हैं, जिन जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की है, उन सारे बिंदुओं को हम खंगाल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करने में सफल होंगे। सर, रात गश्ती में पुलिस हाईवे पर पेट्रोलिंग नहीं करती है? तीन दिन से हत्या हो गई सर। देखिए, ये जो हत्याएं हुई हैं, ये मुश्किल से एक तो ट्रक के अंदर दो हत्याएं जो है ट्रक के अंदर हुई हैं, और जो है उसके जस्ट पहले एक जो खलासी है उसकी हत्या करके जो है उसकी डेड बॉडी को फेंका गया है। ये भी संभावना आएगी, हो सकता है कि वहीं पर उतार करके उसकी हत्या कर दी गई हो। और ये सारी चीज़ें इतने कम अंतराल में हुई होंगी कि हमें लगता है कि उस समय जो है हमारी जो भी हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी होगी उसने उस समय जो है संभवतः ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन हम सारे बिंदुओं पे ही जो है इसकी जाँच कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जाँच करके हम वास्तविकता तक पहुँचने में सफल होंगे। क्या पुलिस की लापरवाही नहीं मानी जाएगी हाईवे? इन बिंदुओं पे भी जो है हम निश्चित रूप से देख रहे हैं। अगर कहीं पे पुलिस की लापरवाही होगी तो उसको भी हमारे द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।